आतंकी अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं और हम ये यूं ही नहीं कह रहे हैं। सिलेक्टिव किलिंग का डर अब कश्मीरी हिंदुओं के मन में घर कर चुका है और वो दिख रहा है उनकी बातों में, उनके अल्फाजों में, उनके एक्शन में। क्योंकि आतंक के भय से घाटी छोड़कर भागे कश्मीरी पंडितों के संगठनों ने कहा है कि वो अपनी कुल देवी की पूजा के लिए भी घाटी नहीं जाएंगे। 8 जून से खीर भवानी मंदिर में मेले का आयोजन होना है। ये मंदिर गांदरबल के तुलमुला में है। खीर भवानी माता कश्मीरी पंडितों की कुल देवी है। 6 जून को जम्मू से हजारों श्रद्धालु खीर भवानी रवाना होने थे, लेकिन टारगेट किलिंग की वजह से कश्मीरी पंडित डर गए हैं। इस साल खीर भवानी यात्रा पर भी आतंकी घटनाओं का साया है, असर पड़ रहा है। बीते 2 साल से खीर भवानी मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा था और आपको पता है कोरोना गाइडलाइंस के चलते मेला नहीं लगाया गया। इस साल उम्मीद थी कि भक्तों की भीड़ जुटेगी, लेकिन आतंक का डर भक्ति की उस भावना पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। घाटी में आतंकवादियों ने 1990 में भी सिलेक्टिव किलिंग के जरिए माहौल बिगाड़ा था और इस बार भी वो अपने मकसद में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। डर का माहौल जो पीछे वहाँ वारदातें हुई हैं, उससे जो कश्मीरी समाज वहाँ से जो आया यहाँ और जो बाकी जो थे वो एक इस दफा वो पूजा अर्चना घर बैठ के ही करने में रजामंद है। वो माता उधर इतना यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। भगवान के साथ भक्त के इस संवाद को किसी अनुवाद की जरूरत नहीं है। इस आवाज को सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि इसमें कसक है, टीस है। अचानी उच्च अगर कांची भी है राठोच उच्च खोली परिसर चीजों। ये आवाज कह रही है कि जिस परिसर में भक्ति का मेला लगना था वहाँ टेंट खाली है। ये आवाज माँ खीर भवानी से कह रही है कि माता इस वक्त जहाँ मंगल गीत गाए जाने थे वहाँ सन्नाटा पसरा है। ये आवाज एक भक्त के भगवान से प्रार्थना है। माता खाली परिसर छो, माता दया कर, सारी कृपा कर। ये आवाज है अपने आधार से उखाड़ कर फेंक दी गई आतंक पीड़ित एक कश्मीरी पंडित महिला की, जो कह रही है कि कब घाटी से आतंक खत्म होगा, खाली मंदिर परिसर कब रौनक से भर जाएगा। ये टीस घाटी में फैले टेरर की बंदूक से उपजी है। आतंकियों ने राहुल भट्ट, रजनी बाला, विजय कुमार जैसे नाम वालों को चुन चुन कर मारा और इसी का असर है कि आज कश्मीरी पंडितों की कुल देवी का मेला सूना। हर साल जेठ महीने की अष्टमी को खीर भवानी के दरबार की रौनक कुछ ऐसी होती है, लेकिन बीते 2 साल कोरोना की वजह से परिसर सूना रहा। आपदा बीती तो आतंकवाद ने मेला उजाड़ दिया। खीर भवानी यात्रा का आयोजन करने वाली माता खीर भवानी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी का दावा है कि अगर आतंकवाद ना होता तो इस साल मेले की रौनक देखते ही बनती। देखिए, अगर हालात ठीक होते तो ये इस बार ऑल टाइम रिकॉर्ड बनना था, क्योंकि 2 साल से यात्रा नहीं हुई। इस बार हम मेरा जो अंदाजा था 35-40 हज़ार लोग कम से कम जा रहे थे। आतंकवाद का ही असर है कि खीर भवानी परिसर में यात्रा समिति से जुड़े चुनिंदा लोग ही हिस्सा ले रहे हैं। लोग जाने के लिए तैयार नहीं है तो हम किसकी सेवा करें और कैसे करें। तो हाउएवर पूजा अर्चना के लिए हमारी जो संस्था है वो कल जा रही है। देखो, जो हमारे होंगे वो तो मतलब जो वॉलंटियर्स और जो हैं वो 8-10 लोग ही होंगे। आतंकियों की कोशिश है कि कश्मीर में एक बार फिर पुराने दिन लौट आए, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि आतंक के खिलाफ उसकी रणनीति कारगर साबित होगी। प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी क्षमता से अपनी तैयारी कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ा बदलाव लोगों की मानसिकता में आया है। कुछ तत्व हैं जो उस पार बैठे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि
रणनीति हमारी कारगर हो। आतंकियों का मकसद है डर फैलाना और इसीलिए घाटी में सॉफ्ट टारगेट हिंदुओं की हत्या की जा रही है। डरे हुए हिंदू घाटी से पलायन कर रहे हैं और सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर मांग रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।